फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कवि परिचय और जो लेखक परिचय होता है उन्हें जो है किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कवि कवि हैं वो सिर्फ कवि होंगे या लेखक नहीं हो सकते, या जो लेखक हैं वो कवि नहीं हो सकते। यानी जो लेखक और कवि होते हैं वो कवि भी हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं। जैसे महादेवी वर्मा है, वो एक कवित्री भी हैं और वो एक लेखक भी हैं। इस तरीके से जो है कवि और लेखक परिचय होते हैं। हम जानेंगे कि कवि और जो लेखक परिचय हैं वो जो है 2022 के पेपर में जो है किस तरीके से आए थे। हर चीज़ को लिखने का एक अपना तरीका होता है, वैसे ही कवि और लेखक परिचय को भी लिखने का जो है एक अपना तरीका होता है। ये जो 2022 का क्वेश्चन पेपर में आया था 16वें और 17वें नंबर पर, दोनों ही क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर में पूछे गए थे। इसमें 16वां बोल रहा है कि तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय का काव्यत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। काव्यगत यानी होता है कवि परिचय, मतलब तुलसीदास और रघुवीर सहाय दोनों में से किसी एक का जो है हमें कवि परिचय लिखना था। 17वें वाले में बोल रहा है कि महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। इसमें जो है महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों में से किसी एक पर जो है हमें लेखक परिचय लिखना था, साहित्यिक परिचय यानी लेखक परिचय लिखना था। हमेशा जो है ये दोनों जब लिखते हैं तो हमेशा ये 3 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। 2 रचनाएं पूछी जाती, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा जाता है, साहित्य में स्थान पूछा जाता है। से नीचे वाले में पूछा गया है 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अब यहाँ पे भाषा शैली पूछी गई और ऊपर भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा गया है। तरीके से आप देखेंगे जो दोनों में एक ही बात पूछी गई है, आप भाव पक्ष कला पक्ष में भी वही चीज़ यहाँ लिखते हो और भाषा शैली में जो भी जो है आप वही चीज़ लिखते हो कि इनमें जो है इन कवियों की जो है भाषा क्या थी, लेखकों की जो है भाषा क्या थी और इन्होंने जो है इसे किस तरीके से लिखा। भाव पक्ष और कला पक्ष में भी जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि जो इसमें रचना है उन्होंने किस तरीके से लिखी, कौन सी वाणी का प्रयोग किया, किस तरीके से छंदों का प्रयोग किया, ये सब जो है इनमें आता है। से अगर ऊपर भाव पक्ष और कला पक्ष की जगह भाषा शैली पूछ रहे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मतलब एक ही, दोनों में एक ही बात लिखी जाती है। मैं जो है हम कवि और लेखक परिचय की जो है डिटेल लिखते हैं कि इनके बारे में थोड़ा बताते हैं, इन्होंने रचनाओं को जो है किस तरीके से किया है या उन रचनाओं में जो है अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, कैसी वाणी की है, तो ये सब जो है इन दोनों में आता है, तो दोनों एक ही, आप कन्फ्यूज मत होना। साहित्य में स्थान का मतलब है कि इन्हें जो है क्या पुरस्कार मिला था, कैसे सम्मानित किया गया था, क्या सम्मान दिया गया था, ये जो साहित्य में स्थान आता है। साहित्य के स्थान में जो ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, बस उन्हें पुरस्कार वगैरह क्या सम्मान मिलता है ये सब जो है साहित्य के स्थान में आता है। तो इसे जो है 3 नंबर में पूछा गया था, तो आप इसे 3 नंबर के हिसाब से ही लिखेगा, ऐसा नहीं आप चढ़ाते मढ़ाते इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको जितने नंबर का पूछा गया आप उतने नंबर के हिसाब से लिखिए, क्योंकि नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे। आपको ऐसा भी नहीं कवि और लेखक परिचय हम भर भर के लिखना, पर ऐसा लिखना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए और वो एकदम देखने में ही अच्छा लगे। कोई इसमें कोई भी ऐसा रटने का कुछ ज़्यादा है नहीं भाव पक्ष और कला पक्ष में कि आप रटते जा रहे हो, एकदम लिखते जा रहे हो। अगर आप इसे समझोगे तो आप इसे मन से आसानी से लिख दोगे। आगे इसे और अच्छे से समझते हैं, पहले हम जो है एक देख लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से जो है कैसा आता है। आपको जो है आपकी परीक्षा बोर्ड या आपकी कोई बुक है तो आपको उसमें इस तरीके से जो है ये मिलेगा। ये जो है साहित्यिक परिचय यानी जो है लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या एक लेखक है। आपको जो इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 3 बातें लिखनी है, क्या 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है या भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, और एक और जो लिखना है वो क्या लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। ये 3 चीज़ें जो है आपसे पेपर में हमेशा पूछी जाती है, पहले भी पूछी जाती थी और अब भी ये जो है यही 3 पूछी जाती है। आपको जो है रचनाओं में क्या आपको ये सब नहीं लिखना, जीवन परिचय, शिक्षा, व्यक्तित्व कुछ नहीं लिखना, आपको रचनाओं से सिर्फ इनकी 2 रचनाएं लिखनी है, तो आप जो है 3-4 रचनाएं याद रखना, क्योंकि एक भूल गए तो एक काम आएगी। इनकी जो है आपको इतनी सारी रचनाएं याद नहीं रखनी, सिर्फ 4 रखनी। इनमें जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी वो है अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेखा क्या है उपन्यास है, तो आप जो है इनकी कोई 2 लिखना है आपको, आप भले इसकी 4 याद रख लीजिए। बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको 2022 के एग्जाम में आया भी था, तो उसमें क्या भाषा शैली पूछी गई थी यानी जो भाषागत विशेषता है यही जो है उसमें भाषा शैली में आपको लिखना था। इसको लिखने का हमेशा ये होता है कि आप जो है इनकी भाषा इन सब के बारे में आप बताओ, तो ज़रूरी नहीं है जो इसमें लिखा है आप उस तरीके से बताओ, आप अपने तरीके से भी जो है इसमें बता सकते हैं। एक बात जो होती है वो सब कवि और लेखक में सेम होती है कि इनकी भाषा क्या होती है, सरल सुबोध होती है यानी बहुत ही स्वाभाविक होती है। ये जो लाइन है आप सब में लिख सकते हो, इन्होंने जो है अपनी भाषा में
बहुत ही अच्छे से जो ये रचना को समझाया है या बताया है। इनकी जो रचना है वो काफ़ी प्रभावहीन होती हैं। ये सब जो है आप ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लिख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हमारी भाषागत विशेषता यानी भाषा शैली या भाव पक्ष या कला पक्ष। तो इसमें क्या लिखते हैं कि इधर क्या लिखा कि इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। आपको यह इतना तो मालूम होना चाहिए कि हजारी प्रसाद की जो भाषा रहती है वो खड़ी बोली है। और आगे क्या लिखा है कि भाषा व विषय के अनुसार भाषा का चयन करते थे। तो आप ये लाइन भी जो है सभी कवि परिचय और लेखक परिचय में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जो है अपने भाव और विषय के अनुसार ही जो है कोई भी भाषा जो होती है उसका चयन करते थे। अब आगे क्या लिखा है कि भाषा के दो रूप होते हैं, प्रांजल व्यावहारिक भाषा। इसमें क्या है कि संस्कृत निष्ठ शासकीय उर्दू भाषा और अंग्रेजी के शब्दों का जो समावेश है, यानी इनकी रचनाएं क्या थी, प्रांजल व्यावहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय उर्दू भाषा और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश। इनकी रचनाओं में जो है ये सब जो भाषाएं इनके जो शब्द थे वो मिले हुए थे। अगर आपको याद है तो आप इसमें लिख दीजिए, अगर आपको याद नहीं तो आप लिख सकते हो कि इन्होंने जो है अनेक भाषाओं का जो है समावेश अपनी रचनाओं में किया। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा मन से खुद से लिख सकते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि गणेशात्मक वर्णात्मक व्यंग्यात्मक व व्यास शैली का प्रयोग किया। उन्हें जो है गणेशात्मक वर्णात्मक व्यंग्यात्मक और वह व्यास शैली जो होती है उनका क्या किया, प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। आप ये भी लिख सकते हैं इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो है शैलियों का प्रयोग किया। और आप वर्णात्मक तो आप लिख ही सकते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं गात्मक वर्णात्मक आदि शैली का जो इन्होंने प्रयोग किया। तरीके से आपको जो है कम से कम 3-4 लाइन में समथिंग इसे खत्म करना है। इसका बात करता है थर्ड पॉइंट, सम्मान। सम्मान यानी इसका साहित्य में स्थान, कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या कोई भी कवि या लेखक है उन्हें जो साहित्य में स्थान क्या मिला। तो अगर आपको जो है आपकी परीक्षा बोर्ड में ऐसे सम्मान लिखे तो वही जो है साहित्य में स्थान है। तो इन्हें जो है साहित्य में क्या स्थान दिया गया हम ये देखते हैं। जब भी आप साहित्य में स्थान लिखे तो आप कोई भी कवि या लेखक परिचय उसमें जो है आप साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आप ये लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरीके से जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लाइन लिखने के बाद जो है आप इनका ये लिखेंगे कि इनको किससे सम्मानित किया गया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो लाइन आप इसमें लिखेंगे इसके बाद तो आपका थोड़ा और अच्छा लगेगा। 3 नंबर के हिसाब से आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे तो नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे ना, तो आपको उसको इतने हिसाब से ही लिखना है। तो इसे इस तरीके से लिखना है कि जो आपका पूरा एक पेज वो अच्छे से जो है कवर हो जाए, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करके एक लाइन लिख के फिर छोड़ के। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी उन्हें कैसे लिखना है। करते अगला यहाँ पे लिखा है कवि परिचय किसका, सूरदास जी का। इन्होंने जो है भाव पक्ष और जो कला पक्ष है वो अलग अलग करके दिया है। वो हर जगह हर तरीके के देखने को मिलेंगे किताबों में, भाव पक्ष कला पक्ष कभी एक जैसा दे देंगे, कभी भाव पक्ष अलग दे देंगे कला पक्ष अलग दे देंगे। आपको जिस हिसाब से पेपर में जैसा पूछा जाए आपको वैसा लिखना है। ज़्यादातर भाव पक्ष कला पक्ष एक जैसा ही आता है और भाषा शैली आती है, भाषा शैली में भी वही चीज़ आती है और जो भाव पक्ष कला पक्ष है उसमें भी जो है वही चीज़ आती है। तो आपको उस तरीके से ही लिखना है। तो इसके भी 3 पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले 2 रचनाएँ यानी रचनाओं में क्या है, इनकी रचनाएँ देखनी है। 2 ही लिखनी है, आप भले 4 याद रख लीजिए जितनी आप याद रख सकें। सूरसागर है, सूरसा सारवली है, साहित्य लहरी है कि जो है ये रचना है, आपको 2 ही रचनाएं लिखनी है उसमें। भाव पक्ष और कला पक्ष में जो है आपको इनकी वही कि इनकी जो रचना कैसी है, इनकी भाषा कैसी थी, ये सब आता है। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग करके दिया, अपन इसको जो है एक ही में करके लिखना बताएंगे कैसे लिखना है। तो मैं आपको इसमें से कुछ छाँट कर बताती हूँ कैसे लिखना है। भाव पक्ष और कला पक्ष में ये आना चाहिए, जैसे इन्होंने सबसे पहले लिखा है सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। आप सबको पता है कि जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति यानी जो कृष्ण के जो बहुत बड़े भक्त थे। तो आगे यही लिखा है कि वे उच्च कोटि की जो है कृष्ण भक्ति थे, पहले हमने जो है ये बता दिया है। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि सूरदास जी ने जो है विनय वात्सल और श्रृंगार तीनों प्रकार के पदों की रचना की थी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी ने जो है अपने काव्य रचनाओं में रसों का जो है बड़ी सहजता से प्रयोग किया है। इस तरीके से आप बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको इन्हीं की भाषा लिखनी है, बस आप पढ़ लो और समझ लो फिर उसके हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको ये भी याद हो कि जो सूरदास जी हैं उनका सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य लिधि है, यानी जो सूर जी का जो वात्सल्य वर्णन था वो हिंदी साहित्य की क्या है,
अमूल्य निधि है। आगे ये लिख सकते कि बाल रूप का जो इन्होंने सहजता के साथ चित्रण किया है, को जो है भाव पक्ष और कला पक्ष तीन चार लाइन में ही खत्म करना है, दोनों को एक ही में लिखना है। हम इसका कला पक्ष भी देख लेते, दोनों को जो एक ही में करके लिखना है। मेन मैटर करता है कि पेपर में जिस तरीके से पूछा जाए आप उस तरीके से लिखिए, ज़्यादातर इसी तरीके से पूछा गया इसलिए जो है मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। कला पक्ष का क्या लिख सकते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष में? कला पक्ष का हम ये लिख सकते हैं, कला पक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो इनकी भाषा है, इन्होंने जो किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया, ये सब जो कला पक्ष में आता है। तो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और माधुर्य और प्रसाद उनके मुख्य गुण है। इनमें जो गुण यूज हुए हैं वो कौन से? माधुर्य और प्रसाद। ज़्यादातर में माधुर्य और प्रसाद गुण ही प्रयोग किए जाते हैं। आपको ये भी बताना होता है कि छंद अलंकार जो है कौन से प्रयोग किए गए हैं, अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए। क्या बताया गया कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ज़्यादातर में अनुप्रास का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकी रचनाएं जो है प्रभावहीन होती हैं। हमारा भाव पक्ष और कला पक्ष जो है खत्म हो गया, उसके बाद थर्ड पूछते हैं साहित्य में स्थान। आपको ये बताया कि हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस लाइन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो सब में लिख सकते हैं, ले सकते हैं इसमें भी कि इनको जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है या प्राप्त हुआ है। आगे अपने मन से ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन्हें जो है हिंदी साहित्य का सूर भी कहा जाता है। तरीके से जो हमने सूरदास का भी जो है कवि परिचय देख लिया है। एक और कवि परिचय देख लेते हैं, वो है तुलसीदास जी का। आप जो है तुलसीदास की भी दो रचनाएं कोई सी भी याद कर लीजिए, जैसे रामचरितमानस महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है, आपको ये याद रहेगा। विनय पत्रिका हो गई, जानकी मंगल खंड काव्य हो गया, पार्वती मंगल भी जो है खंड काव्य है। तो आप इनमें से भी कोई दो याद रख लीजिए। मैं भी जो है भाव पक्ष और कला पक्ष जो है अलग अलग करके बताए, मैं आपको ये भी जो है दोनों को सेम करके बता देती हूँ, दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें आपको सेम करके एक ही में लिखना है। इसी में आपको जो एक साथ दिखाया जाएगा तो अलग अलग तरीके से अलग टाइप का दिखाया जाएगा, आपको वही जैसा पेपर में आए वैसे ही करना है। इनके कला पक्ष में क्या बोल रहे हैं कि तुलसी जी का भावलोक अत्यधिक संपन्न है, कि जो भी वो चीज़ लिखते हैं वो बड़े भाव से लिखते हैं, तो ये सब उनका क्या है? संपन्न है। ये क्या बोल रहे हैं कि थोड़े से शब्दों में बहुत से भावों की अभिव्यक्ति कर देना उनके काव्य का वैशिष्ट्य है। यानी वही थोड़े से शब्द, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बात को अभिव्यक्त करना। तो आप यही लिख सकते हैं कि थोड़े से शब्दों में बहुत से भावों की अभिव्यक्ति कर देना उनके काव्य का वैशिष्ट्य है, या उनके काव्य की विशेषता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप आगे ये भी लिख सकते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना उनके काव्य का प्रमुख आधार रही है। आप सबको पता है कि जो तुलसीदास जी वो राम जी के भक्त हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं तुलसीदास जी जो हैं राम जी के परम भक्त हैं। इसे ऐसे और मन से लिख सकते हैं। आगे नीचे क्या बोल रहा है कि ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं का मधुर सरस और प्रोण रूप तुलसी के काव्य में सहजी दृष्टव्य है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं का जो इन्होंने बड़ी सहजता के साथ जो है प्रयोग किया गया है, या वर्णन किया गया है, या अपनी भाषाओं को सरलता से जो है बताया गया है, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। आगे कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष में क्या बोल रहा है कि आप ये लिख सकते हैं फोर्थ लाइन में जो दिया है कि उनकी उपमाएँ भी बड़ी सुंदर होती हैं। यानी जो है तुलसीदास की उपमाएँ क्या होती हैं? बड़ी सुंदर होती हैं। उनका उपमा अलंकार कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा और कहीं दृष्टांत बनकर बैठा है। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन्होंने जो उपमा अलंकार, कहीं रूपक और कहीं उत्प्रेक्षा, इन सब का जो है अपने काव्य में प्रयोग किया है। आगे ये नीचे देखिए, आप यहाँ लिखा है कि छंद योजना में क्या किया इन्होंने? तुलसी ने दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि का जो है सृजन किया है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने छंद में क्या किया है, दोहा लिखा है, चौपाई, कवित, सवैया जो है इनका निर्माण किया। इस तरीके से हमारा भाव पक्ष और कला पक्ष जो है पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं साहित्य में स्थान क्या है इनका। यहाँ पे लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। आप ये लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी जो है लोक कवि हैं। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके काव्य से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। आप ये भी जो है सभी में लिख सकते हैं कि उनके काव्य से जो है जीवन जीने की कला लिखी जा सकती है, ये जो है सभी कुछ सिखाते हैं। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि तुलसीदास को जो है गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है। सबसे ऊपर ये तो लिखेंगे कि इन्हें जो है साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है।
तरीके से जो है हमने ये तीनों कवि और लेखक परिचय पढ़ लिए। जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो लेखक हैं, जो हमारे सूरदास और तुलसीदास जी हैं वो जो एक कवि हैं। कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में और कवि और लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो है एक लेखक परिचय और दो जो है कवि परिचय पढ़ लिए, आगे जो मैं और आपको रिविज़न कराऊँगी इनका। जो है कभी क्वेश्चन देखे कन्फ्यूज मत होना, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना साहित्यिक किसमें पूछा गया और काव्यात किसमें पूछा गया, आप इसका उसमें लिखोगे इसका इसमें तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो है आप अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर फिर उसको उस हिसाब से लिखना। तरीके से आपने जो है लेखक परिचय और कवि परिचय जो है पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और कवि और लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।